एक सबसे बड़ा आरोप दोस्तों जो सामने आया है वो ये है कि मुंबई पुलिस को ब्राइब कर रहे थे राज कुंद्रा, और वो अमाउंट बहुत ज्यादा हैवी था, और ये बात दोस्तों एंटी करप्शन ब्यूरो ने करी है। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मैं मौजूद हूं तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो दोस्तों महाराष्ट्र जो है उन्होंने उनके पास 4 ईमेल आए हैं उस व्यक्ति के जो कि इस केस में पोर्नोग्राफी केस में अक्यूज्ड है। दोस्तों आपको बता दूं तो यहां पर ये बहुत बड़ा खुलासा है, ऐसा बड़ा खुलासा जिसे सोचकर आप लोग भी कहीं ना कहीं एक पल के लिए स्थिर हो जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि हाँ यार इतने महीनों से क्यों नहीं हुई राज कुंद्रा की ये इस तरीके से पुलिस ने क्यों हिरासत में नहीं लिया, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको बता दूं दोस्तों तो यश ठाकुर जो कि अक्यूज्ड है इस पोर्नोग्राफी केस में, उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को महाराष्ट्र को 4 ईमेल भेजे हैं और वहां पर उन्होंने इस बात को सबके सामने रखा है कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड मिस्टर राज कुंद्रा ने मुंबई पुलिस को ब्राइब किया है, ऑफिशियल्स को ब्राइब किया है, वो भी 25 लाख देने पे, ताकि अरेस्ट जो है वो इन्वेट कर सके यानी कि रोका जा सके। जो दोस्तों ये सचमुच में एक सीरियस एलिगेशन है, और यही बात एक मॉडल जो थी जिन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर कहा गया था मुझे कि न्यूड ऑडिशन दो, उन्होंने भी यही कहा था कि क्यों राज कुंद्रा पर अभी नहीं हो रहा है, क्यों, जबकि मैंने ऑलरेडी 6 महीने पहले ही बोल दी थी ये बात कि भैया राज कुंद्रा जो है उनका नाम सामने आ गया था, मैंने भी अपनी गवाही दी थी, और क्यों जो है 6 महीने तक इंतजार किया गया। ये सब, और ये सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, मुंबई पुलिस के स्पेशल ब्रांच यानी कि उन्होंने जो है राज कुंद्रा की गिरफ्तारी करी। तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे बड़ा मात्रा सामने आ रहा है कि क्या वाकई में राज कुंद्रा 25 लाख रुपए जो है देते थे। आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूल्स।